जय माता दी। हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर टू ऑफ क्लास नाइन्थ बी हाइव बुक, दैट इज द साउंड ऑफ म्यूजिक। द साउंड ऑफ म्यूजिक जो कि क्लास नाइन्थ की बी हाइव बुक का है, उसका जो पार्ट वन में और पार्ट टू भी है इस चैप्टर का। तो पार्ट वन में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एवलिन ग्लिनी लिसन्स टू द साउंड विदाउट हियरिंग इट। सो आपको इस लाइन से आप जरूर सरप्राइज तो हो गए होंगे कि द साउंड ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक की जो साउंड किस तरीके, मतलब म्यूजिक के बारे में चैप्टर है ऑल अबाउट, कि फर्स्ट चैप्टर पार्ट वन और पार्ट टू बोथ में साउंड ऑफ म्यूजिक के बारे में बताया गया है, म्यूजिक के बारे में ही बताया गया है। पार्ट वन में एवलिन ग्लिनी के बारे में बताया गया है, लिसन्स टू द साउंड विदाउट हियरिंग इट, दैट मीन्स कि वो साउंड सुनती है बिना सुने हुए। तो बिना सुने हुए साउंड सुनने का क्या मतलब हुआ? सो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जो हमारा पार्ट वन है, पार्ट टू है, वो आपको पता चलेगा कि कैसे वो साउंड को सुनती है बिना सुने हुए। सो बिफोर यू रीड पार्ट में हम देख लेते हैं। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जैसे कि हम सब ने सुना है कि जब भी भगवान हमसे कुछ छीनता है तो हमें बदले में बहुत कुछ देता है। एक दरवाजा बंद होता है तो और 10 दरवाजे खुलते हैं। उसी तरीके की ये जो चीज़ है, बहुत ही पॉजिटिविटी लिए हुए ये लाइन जो है, कि जब भी भगवान हमसे कुछ लेता है, उसी तरीके से एवलिन ग्लेनी जो थी ना, उसकी भगवान ने गॉड ने उसकी जो हियरिंग पावर थी वो ले ली थी, और उसको बदले में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी दिया था। वो क्या है? वॉट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी वन ऑफ अस, दैट इज वाई सी एक्सप्रेसिस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। सो कि मतलब वो कैसे लिसन कर लेती थी म्यूजिक को, साउंड को, म्यूजिक को बिना उसे सुने हुए, बिकॉज उसको जो हम सुनते हैं ना वो उसे फील करती थी, और उससे भी ज़्यादा कि मोर डीपली, फार मोर डीपली देन एनी वन ऑफ अस, कि हम जितना सुन सकते हैं ना उससे भी अच्छा वो फील कर पाती हैं। इसीलिए वो म्यूजिक को इतने अच्छे तरीके से, इतने ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्रेस कर पाती हैं। दैट मीन्स कि म्यूजिक है ना उसे सुनाई नहीं देता है बिकॉज शी इज डेफ, बट वो किस तरीके से जो साउंड जो प्ले करती हैं, जो वो म्यूजिक प्ले करती हैं, सो उनको जो वो म्यूजिक है वो सुनाई नहीं देता, बट वो फील कर सकती है अपने बॉडी पार्ट्स में। ओके, सेंस कर सकती है वो उन्हें। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी। और हम इन इस चैप्टर में, इस पार्ट वन में, एक ऐसे पर्सन के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं जो कि अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी के अगेंस्ट उसने फाइट किया और अपनी लाइफ को एक सक्सेस स्टोरी बनाया। मतलब बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छा लेसन आपको देकर जाएगी। दैट मीन्स कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल, बट इट कैन पॉसिबल, क्योंकि भगवान आपसे कुछ लेता है तो बदले में आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी देता है, और साथ ही साथ में हार्डवर्क और जो आपके अंदर एंथुजियाज्म होता है या फिर किसी चीज़ के लिए लेकर आप में पैशन होता है तो वो चीज़ ज़रूर कंप्लीट होती है। सो इस चीज़ को इसी पार्ट वन में हम देखेंगे। सो स्टार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर चैप्टर। सो रश आर क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। रश आर क्राउड्स जोसल, जोसल का मतलब क्या दे रखा है? पुश रफली, दैट मीन्स कि जो भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, और जैसे ही प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आने वाली होती है तो काफी मतलब क्राउड होता है और एक दूसरे को पुश करते हैं। जोसल मतलब पुश रफली, बिकॉज कि जो अंडरग्राउंड ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म है उसमें जो क्राउड है वो काफी ज्यादा है, और ये रश आर है, ट्रेन जो है आने वाली है। अ स्लाइट गर्ल, दैट मीन्स स्लाइट, दैट मीन्स स्मॉल एंड थिन, बहुत पतली सी छोटी सी जो लड़की है वो 17 ईयर्स की है, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा यंग दिख रही है। दैट मीन्स कि वो उससे 17 ईयर्स की भी नहीं लग रही है, और वो नर्वस भी है, साथ ही साथ में एक्साइटेड भी है, क्योंकि जो ट्रेन अप्रोच कर रही है, जो प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेन आ रही है वो उसकी वाइब्रेशन को फील कर पा रही है। दैट मीन्स कि हम भी फील कर पाते हैं। हम ऑफकोर्स, हमें हॉर्न सुनाई देता है, हम उसे देखते भी हैं कई बार, वो दूर से आ रही होती है तब, लेकिन ऑफकोर्स की थोड़ी सी जो वाइब्रेशन होती है वो भी हम फील करते हैं। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन।
क्योंकि सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किस चीज का है, क्योंकि आज उसका जो फर्स्ट डे है, कौन सी बहुत ही अच्छी प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, ये कहाँ पर है, लंदन में, एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एन टीनेजर फ्रेश फॉरेस्ट स्कॉटिक फार्म। और ये चीज मतलब डॉन्टिंग का क्या मतलब होता है, फ्राइटनिंग की, मतलब ये कोई टीनेजर के लिए ये चीज काफी फ्राइटनिंग हो सकती है कि भाई वो पहली बार लंदन जा रहा है, जो स्कॉटिश मतलब बैकग्राउंड से है, छोटी जगह से बिलोंग करता है, और वो लंदन जा रहा है, और वो भी इतनी अच्छी एकेडमी में, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, तो ये थोड़ा सा तो फ्राइटनिंग हो ही सकता है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट, सी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। सो ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु वॉन्ट्स टू बी म्यूजिशियन। तो ये जो जिसकी हम स्टोरी पढ़ रहे हैं एल्विन की, इसमें क्या होता है कि ये जो है म्यूजिशियन बनना चाहती है, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करती है, तो इसी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, क्योंकि वो जो है वो सुनाई सुन नहीं सकती है। एल्विन ग्लीनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। लेकिन एल्विन ग्लेनी जो थी ना, वो मतलब एकदम से डेफ नहीं हुई थी, एकदम से बहरी नहीं हुई थी, वो धीरे धीरे मतलब उसे सुनना कम हुआ था, और एकदम से फिर एकदम से वो उसे सुनना बंद हो गया था। हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग विद द 8 ईयर ओल्ड एल्विन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडेंट मूव। और ये चीज पता है किसने वो सोची थी, कि क्योंकि उसकी मदर को याद था कैसे, कि जब उसने सबसे पहले नोटिस किया था कि 8 ईयर की जो एल्विन है उसके साथ में कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो स्ट्रेंज थिंग है, कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि जब उसे पियानो प्ले करने के लिए बुलाया गया, जब उसकी टर्न थी और उसकी मदर उसका नाम ले रही है, तो और लेकिन वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, वो मूव नहीं कर रही है, दैट मीन्स कि आपको कोई अगर आपका नाम बुलाता है कि अब आपकी बारी है, तो ऑफ कोर्स अगर आपको सुनाई देगा तो आप मूव करोगे, लेकिन उसे सुनाई नहीं दे रहा था। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, सेज इसाबेल ग्लेनी। सो यहाँ पर मतलब इसाबेल ग्लेनी कौन है, ये एल्विन ग्लेनी की मदर है। तो वो क्या कह रही है कि उस दिन मेरे को सडनली ये रियलाइज हुआ मुझे कि इसे सुनाई नहीं दे रहा है। फॉर क्वाइट अ वाइल एल्विन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। लेकिन कुछ टाइम के लिए एल्विन ग्लेनी ने ये चीज मैनेज भी कर ली थी, कंसील करना मतलब छिपाना, हाइड करना। उसने अपनी जो डेफनेस थी, जो उसका बहरापन, जो वो धीरे धीरे उसे कम सुनाई दे रहा था, वो चीज अपने फ्रेंड और टीचर्स से भी वो काफी टाइम तक वो मैनेज कर पाई थी, वो कुछ टाइम तक मैनेज कर पाई थी छुपाने में। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, हर रिमार्क्स हैड डिटर्टेड एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए। सो लेकिन क्या हुआ, आप कब तक छुपा सकते हो, अगर आपको सुनाई नहीं देता ये चीज अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से कितना छुपा सकते हो। तो वो 8 ईयर्स में जब उसकी मदर ने ये चीज ऑब्जर्व की थी, और 11 ईयर की जब वो हुई, तब उसके जो मार्क्स थे वो धीरे धीरे कम हो रहे थे, मतलब और इस तरीके से कम होते मार्क्स देखकर उसकी जो हेडमिस्ट्रेस थी, उसने उनके पेरेंट्स को बुलाया और उनको क्या कहा, कि उनसे रिक्वेस्ट की कि इसे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाओ, कि स्पेशलिस्ट मतलब जो भी कोई पर्टिकुलर पार्ट, बॉडी पार्ट के अंदर जो स्पेशलिस्ट होता है, उसको दिखाओ कि इसके क्या प्रॉब्लम है, कैसे शॉर्ट आउट हो सकती है। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और जब जब उसे स्पेशलिस्ट के पास में ले जाया गया, तब ये डिस्कवर हुआ कि उसकी जो हियरिंग पावर है, जो उसकी सुनने की शक्ति है, वो धीरे धीरे कम हो गई, बिकॉज नर्व डैमेज की वजह से, ग्रेजुअल नर्व डैमेज होता गया, धीरे धीरे नर्व डैमेज होती गई और उसकी जो हियरिंग पावर थी वो खत्म होती गई। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिट, इम्पेयर्ड का मतलब होता है वीकेंड, मतलब वीक होती गई एज अ रिजल्ट कि वो एकदम से खत्म हो गई। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर डेफ। और उसको क्या एडवाइस किया गया कि इसको कोई हियरिंग एड लगाया जाए, जैसे होता है ना मशीन, कान की मशीन आती है छोटी छोटी जो होता है, और वो आप कान में पुटअप कर लोगे तो फिर मतलब दैट मीन्स कि आपको सुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी और आप सुन पाओगे। और साथ ही साथ में ये भी एडवाइस किया गया कि इसे किसी डेफ स्कूल में डाल दिया जाए, जहाँ पे इसी तरीके के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई करते हैं। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एल्विन। और एल्विन को जब ऐसा कहा गया ना, तो उसे ऐसे लगा कि मतलब सब कुछ एकदम से नहीं होता, एकदम ब्लैक दैट मीन्स अंधेरा छा जाना, कि मतलब ऐसा कैसे मेरे साथ कैसे हो सकता है। बट एल्विन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन वो ऐसी नहीं थी कि वो गिव अप करती, उसने गिव अप नहीं किया। सी वॉज डिटरमाइंड टू लेड
नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. उसने सोचा कि मैं उसने डिटरमाइन किया, ये चीज ठान ली कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी और साथ ही साथ में जो उसका म्यूजिक का जो इंटरेस्ट है वो उसे परस्यू करेगी, मतलब वो उसे भी सीखेगी. वन डे सी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट सी वॉन्टेड टू प्ले इट टू. और एक बार उसने एक लड़की को जाइलोफोन प्ले करते हुए देखा, मतलब जाइलोफोन पे म्यूजिक बजाते हुए देखा, और उसने ये डिसाइड किया कि मैं भी बजाऊंगी, मैं भी इसे प्ले करूंगी. सो जाइलोफोन हम सब जानते हैं एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है विद अ रो ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ. उस पे वुडन बार्स होती हैं ऑफ डिफरेंट लेंथ. ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर टू इन इन योर चैप्टर. सो उसने भी ये डिसाइड किया. अब क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. अब बहुत सारे टीचर होते हैं ना कि मतलब आपको डिस्करेज भी करेंगे कि जब आपको सुनाई नहीं दे रहा तो आप म्यूजिक क्यों सीखना चाहते हो. लेकिन यहाँ पे एक परक्यूशनिस्ट है जो कि काफी अच्छे हैं. परक्यूशनिस्ट मतलब ए पर्सन हु प्लेज द ड्रम द तबला. दैट मीन्स कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो प्ले करते हैं तबला या ड्रम, उसको बोलते हैं परक्यूशनिस्ट. उनका नाम है रॉन फोर्ब्स. लेकिन उन्होंने उसका पोटेंशियल को समझा, उनके जो टीचर थे, जो मास्टर थे रॉन फोर्ब्स, इन्होंने उनके पोटेंशियल को समझा. ही बिगेन टू ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स ऑफ डिफरेंट नोट्स. और उन्होंने क्या किया कि उनके लिए दो लार्ज ड्रम्स लेकर आए और उनके ऊपर डिफरेंट नोट्स थे. ओके, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. सेज एल्विन, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन. एल्विन क्या कहती हैं कि जैसा कि मुझे रॉन फोर्ब्स ने कहा था कि वो मेरे लिए जो दो ड्रम्स लेकर आए और उन्होंने कहा था कि ये जो डिफरेंट नोट्स हैं ना, इनको तुम सुनने की बजाय, इनको कान से सुनने की बजाय इसे सेंस करो सम अदर वे, अपनी बॉडी से सेंस करो. और एल्विन ने ऐसा ही किया. एल्विन कहती हैं कि सडनली मुझे लगा कि जो हायर ड्रम जो था, मैं उसकी जो नोट्स थे वो वेस्ट के मतलब कमर के ऊपर वाले पार्ट में फील कर पा रही थी, और जो दूसरा था दैट मीन्स कि जो लोअर वन ड्रम जो था उसको मैं वेस्ट के डाउन वाले जो हिस्सा है उसमें फील कर पा रही थी. फोर्ब्स रिपीटेडली द एक्सरसाइज एंड सून एल्विन डिस्कवर दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. और इसी तरीके से जो रॉन फोर्ब्स थे ना, वो एक्सरसाइज करवाते गए. दैट मीन्स कि रिपीटेशन, दैट मीन्स हर चीज प्रैक्टिस मांगती है. इस तरीके से प्रैक्टिस करते गए और सून एल्विन ये डिस्कवर कर पाई कि वो जो है वो म्यूजिक को, वो जो नोट्स होते हैं, वो जो प्ले करती है, वो सेंस कर पा रही है अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में. दैट मीन्स कि उसे सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन वो अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट जो नोट्स हैं उनको सेंस कर पा रही है. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस. द रेस्ट हैज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क. सो मैंने अपना जो माइंड और बॉडी उनको ओपन कर दिया था. दैट मीन्स कि साउंड्स और वाइब्रेशंस को फील करने के लिए, उनको सेंस करने के लिए मैंने अपना माइंड और बॉडी को एकदम ओपन कर दिया था. मैंने ये सीख लिया था कि किस तरीके से आई हैव टू ओपन माई बॉडी एंड माइंड सो आई कैन फील दैट. सो और जो बाकी जो चीज़ बची थी वो तो था डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. वो तो कंटिन्यूली आपको करना ही पड़ेगा. सो उसने भी वो किया था और दैट्स वाई शी बिकेम सक्सीड इन हर पैशन, और यू कैन से कि उसका जो इंटरेस्ट था म्यूजिक में उसमें. शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन वर्ड. शी टर्न द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. सो उस दिन के बाद में जब जैसे कि वो फील करने लगी थी अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो म्यूजिक के नोट्स थे, साउंड्स थी, वाइब्रेशंस थी, सो उस दिन के बाद में वो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. और उसने क्या किया उसके बाद में ट्यूर्ड जैसे कि वहाँ पे वो उसके बाद में वो यूनाइटेड किंगडम भी जाती है. किसके साथ में जाती है, जो यूथ ऑर्केस्ट्रा होता है. दैट मीन्स कि जो ऑर्केस्ट्रा प्ले करने वाले जो यंग लोग होते हैं उनके उनके ग्रुप के साथ में वो यूनाइटेड किंगडम जाती है जब वो 16 साल की होती है. और उसके बाद में उसने ये डिसाइड कर लिया म्यूजिक ही मेरी जिंदगी है. दैट मीन्स कि उसने अपना नेम एंड फेम जो है वो म्यूजिक में बनाने का डिसाइड किया. शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी.
और उसने क्या किया, ऑडिशन दिया. ऑडिशन का मतलब गिव अ शॉर्ट परफॉर्मेंस सो दैट द डायरेक्टर कुड डिसाइड वेदर सी वॉज गुड इनफ. दैट मीन्स ऑडिशंस देते हैं ना, आपने सबने देखा है कि मतलब आप एक परफॉर्मेंस देते हो जिसकी वजह से जो डायरेक्टर वहां पे बैठे होते हैं वो ये डिसाइड कर पाते हैं कि शी इज गुड और नॉट. सो उसने ऑडिशन दिया, कहाँ पर दिया, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में, और उसने काफी अच्छा स्कोर किया. मतलब कि उस एकेडमी की हिस्ट्री में उसने सबसे हाईएस्ट मार्क्स वो स्कोर किए थे. सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस. और इस तरीके से मतलब पहले वो ग्रुप के साथ में ऑर्केस्ट्रल वर्क करती थी, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में कि जो म्यूजिशियन होते हैं उनके साथ परफॉर्म करती थी, बट उसके बाद में वो सोलो परफॉर्मेंस देने लगी, दैट मीन्स अकेली. एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. और उसके ये जो 3 साल का जो कोर्स था म्यूजिक का, इस कोर्स के बीच में उसने बहुत सारे टॉप अवार्ड्स उसने जीते. एंड फॉर ऑल ऑफ दिस एल्विन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. इफ यू वर्क हार्ड एंड यू नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. और उसके बाद में मतलब इन सब में एल्विन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट की दैट मीन्स कि वो इस तरीके की चीजें जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती थी. कि दैट मीन्स कि वो उनका ये कहना था कि अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो और तुम्हें ये पता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम कहाँ जा रहे हो, सो तुम जरूर वहां पर पहुंच जाओगे. दैट मीन्स कि अगर तुम्हें पता है तुम्हारी डेस्टिनेशन कहाँ है और उसके पाथ पे आप चल पड़े हो और हार्ड वर्क कर रहे हो तो डेफिनेटली आप वहां पे पहुंच जाते हो. एंड शी गोट राइट टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल. अब इन सबसे हार्ड वर्क से वो क्या हो गई, एकदम टॉप पे पहुंच गई. दैट मीन्स कि जो होते हैं ना मल्टी परक्यूशनिस्ट, मतलब जिनको बहुत सारे जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो प्ले करने आते हैं, उस तरीके से एवलिन को भी अब बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो प्ले करने आते थे और काफी अच्छे से. इट इज इंटरव्यूइंग टू वॉच एवलिन परफॉर्मेंस सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग. और मतलब एकदम से ये आप देखोगे ये बिल्कुल भी फैसिनेटिंग लगेगा कि किस तरीके से एल्विन ग्लिनी जो है वो फंक्शंस में एफर्टलेसली, मतलब कितने आराम से बिना सुने हुए कैसे म्यूजिक प्ले कर लेती है. दैट मीन्स कि इतने अच्छे से और कोई बिना सुने कैसे कर सकता है, ये सच में फैसिनेटिंग होता है. इन आर टू आर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. दैट मीन्स यहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं कि जब हमने डिस्कस किया उसके साथ में तो दो टू आर डिस्कशन था वो हमारा, 4 घंटे का सॉरी 2 घंटे के डिस्कशन में उसने कोई वर्ड मिस नहीं किया. दैट मीन्स उसे सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन यहाँ पे एक इंटरव्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है कि उसकी जो पूरी स्टोरी है यहाँ पे राइटर ने लिखा है कि जब हमने उनसे जो भी क्वेश्चंस पूछे उस 2 घंटे में उसने कुछ भी वर्ड मिस नहीं किया. दैट मीन्स वो सुन नहीं सकती है लेकिन फिर भी वो जो है लिप सिंक, फेशियल एक्सप्रेशन, आईज, इन सब से चीज़ें पकड़ लेती है और वो सारी चीज़ों के आंसर करती है. मैन विद बुशी बियर्ड गेव मी ट्रबल, शी लाफ्ड. और उसने क्या क्या कहा कि जो इंसान के बहुत ज़्यादा बियर्ड होते हैं, दैट मीन्स दाढ़ी बहुत ज़्यादा होती है फेस पे, तो वो क्या होता है कि वो उनको ज़्यादा ट्रबल करते हैं. दैट मीन्स कि वो हंस के ऐसा कहती है क्योंकि वो होते हैं ना बैड होते मैन होते हैं, उनमें क्या होता है कि वो अच्छे से लिपसिंग वगैरह जो है मे बी उसको देखने में प्रॉब्लम होती है, कैच करने में प्रॉब्लम होती है. दैट्स वाई सी इज सेइंग सो, कि मतलब उसे प्रॉब्लम होती है. अदरवाइज वो जो है हर किसी के फेशियल एक्सप्रेशन से वो क्या कहना चाह रहा है वो समझ जाती है. इट इज नो नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज द होल फेस, स्पेशली द आइज. वो क्या कहती हैं कि हाँ मतलब बियर्ड मैन होते हैं उनके लिप्स आप अच्छे से नहीं देख पाते, लेकिन ये सिर्फ लिप्स से नहीं होता है, इससे पूरे फेस के एक्सप्रेशंस जो होते हैं स्पेशली आइज को आप देखकर फिर आप समझ पाते हो. यहाँ पे ये एवलिन ग्लिनी का जो है यहाँ पे इट इज ए इंटरव्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, कि किस तरीके से वो म्यूजिक को प्ले कर रही हैं एफर्टलेसली और जबकि वो सुन नहीं पा रही हैं, सुन नहीं पाती हैं. सो ये चीज यहाँ पर इस पिक में आप देख सकते हो. आगे क्या कहती हैं, शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद द स्कॉटिश लिट. दैट मीन्स कि वो बहुत आराम से फ्लॉलेसली विदाउट अ फॉल्ट और मिस्टेक अ वे ऑफ स्पीकिंग. लिट मतलब अ वे ऑफ स्पीकिंग.
दैट मीन्स कि वो बहुत अच्छे से जो है वो बोल पाती हैं, स्कॉटिश जो है उस वे में, स्कॉटिश की स्कॉटलैंड की है वो, तो इस वे में वो बहुत अच्छे से बोल लेती है. माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल इट आई वॉज 11. और वो क्या कहती हैं कि मेरी स्पीच इतनी क्लियर इसीलिए है क्योंकि मतलब वो एकदम से बहरी नहीं हुई थी, मतलब एकदम से उसे सुनना बंद नहीं हुआ था, वो बचपन से उसे ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, वो ग्रेजुअली ऐसा हुआ था उसके साथ में कि वो 11 साल की थी तब उसे तब तक उसे सुनाई देता था, उसके बाद उसे सुनाई नहीं देता था, दैट्स वाई कि वो इतने क्लियरली बोल पाती थी. बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज. बट सोचो कि इस चीज से ये चीज तो नहीं होती है ना कि उसने, सोचो फ्रेंच और जैपनीज कैसे सीखी होगी, कैसे मैनेज किया होगा सीखना, कि आप स्कॉटिश में तो इसलिए बोल पाते हो क्योंकि आप 11 साल तक मतलब सुन पा रहे थे, सो आप बोल सकते हो, लेकिन सोचो कि आपने फ्रेंच और जापानीज कैसे सीखी होगी. तो दैट मीन्स कि उनका हार्ड वर्क तो था ही उसके पीछे. एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट्स ऑफ माई बॉडी. और जब म्यूजिक की बात होती है तो वो क्या कहते हैं कि वो मेरे हर एक बॉडी पार्ट में पोर होता है, दैट मीन्स कि मैं हर एक बॉडी पार्ट में उसे सेंस कर पाती हूँ. इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर. मतलब वो क्या कहती हैं, कैसे फील कर पाती हैं कि जो म्यूजिक है, टिंगल्स मतलब कॉज ए स्लाइट प्रिंकलिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन. दैट मीन्स कि उन वो जो म्यूजिक प्ले करती है ना, वो जो टिंगल करता है उसकी स्किन में, मतलब टिंगल करता है उसकी स्किन में, सेंसेशन फील होती है म्यूजिक की, और उसकी चीक बोन जो गाल के पास में जो बोन्स होती है उसमें फील होता है, इवन उसके हेयर्स में, हेयर में उसे फील होता है. वैन शी प्लेज द जाइलोफोन सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स. और जब वो जाइलोफोन प्ले करती है सो वो सेंस कर सकती है कि किस तरीके से, जब वो जाइलोफोन को स्टिक से प्ले करती है तो उसकी फिंगर टिप्स में वो चीज़ जो है वो फील कर पाती है, वो म्यूजिक को फील कर पाती है फिंगर टिप्स पे. बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी. और साथ ही साथ में जब वो जैसे ही ड्रम प्ले करती है और आगे थोड़ा झुकती है तो जो उसमें जो होता है ना रेजोनेंस, जो होता है इको, जो साउंड जो आती है उसमें से, ड्रम में से, वो उसे अपनी बॉडी में महसूस होती है. ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फुट एंड अप हर लेग्स. और वो मोस्टली क्या करती है कि वो वुडन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे उसे परफॉर्म करना होता है, वो अपने शूज उतार कर और उसके बाद परफॉर्म करती है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो वाइब्रेशंस होती हैं उसकी म्यूजिक की, वो उसके जो नंगे पैर होते हैं बिना फुटवेयर के जो पैर होते हैं उससे उसकी लेग में वो चीज़ फील होती है, कि मतलब फीट के थ्रू उसके लेग्स में वो जो म्यूजिक है वो फील कर पाती है वो. देन नॉट सरप्राइजिंगली एनविल डिलाइट्स आर ऑडियंस. सो ये चीज़ कोई सरप्राइज मतलब इतना अच्छे से जो एल्विन है वो अपने ऑडियंस को डिलाइट कर पाती हैं. इन 1991 सी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलिस्टिक ऑफ द ईयर अवार्ड. और उसे मतलब इतने अच्छे से वो अपने ऑडियंस को खुश कर पाती है, इतने अच्छे म्यूजिक प्ले करती है, इसलिए उसे 1991 में रॉयल फिल हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलिस्टिक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था उसे. सेज मास्टर पर्क्यूशनिस्ट जेम ब्लेड्स, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी. और ये बात उसके मास्टर पर्क्यूशनिस्ट ने कही थी कि जेम वो कौन से मास्टर थे उनके जो कि ड्रम और ये तबला वगैरह प्ले करते हैं, वो जो मास्टर थे उनके एवलिन के जिनका नाम है जेम्स ब्लेड, उन्होंने कहा था कि भगवान ने उनकी जो हियरिंग जो है पार वो ली थी, लेकिन उनको बदले में गॉड ने उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी दिया है. वॉट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी वन ऑफ अस. और जो हमें सुनाई देता है ना वो फील कर पाती हैं, और वो भी अब हम जितना फील कर पाते हैं उससे भी ज़्यादा डीपली. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसिज म्यूजिक सो ब्यूटिफुली. और ये बात जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी वो ये सारी बातें कौन कहता है, जेम्स ब्लेड कहता है, कहते हैं कि जेम्स ब्लेड्स ने ही ये कहा था कि यही रीज़न है कि जिसकी वजह से वो जो म्यूजिक है वो इतना ब्यूटिफुली एक्सप्रेस कर पाती है. एवलिन कन्फेसेस दैट सी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक. एवलिन ये भी कन्फेस करती है, ये भी बताती है कि वो
वर्कहोलिक है. वर्कहोलिक कौन होते हैं? अ पर्सन हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग. दैट मीन्स कि काम करते रहते हैं. दैट मीन्स कि जैसे अल्कोहलिक होते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते रहते हैं. वर्कहोलिक जो वर्क कंज्यूम करते रहते हैं. कंज्यूम का मतलब कि काम करते रहते हैं, रुकते नहीं हैं. दैट्स वाई वो खुद को वर्कहोलिक कहती हैं. बट द रिवॉर्ड्स आर एनमरस. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, एल्विन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. और वो इतना हार्ड वर्क करती हैं. आई हैव जस्ट गोट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन. मतलब और जो म्यूजिशियंस जितना हार्ड वर्क करते हैं वो उससे भी ज़्यादा हार्ड वर्क करती हैं, वो ये कहती हैं. और वो कहती हैं इनके रिवॉर्ड्स भी बहुत बड़े बड़े होते हैं. दैट मीन्स कि मैं रेगुलर कॉन्सर्ट्स भी करती हूँ, उनके अलावा मैं फ्री कॉन्सर्ट्स भी करती हूँ. जैसे कि मैं जेल में, हॉस्पिटल्स में फ्री कॉन्सर्ट्स के लिए जाती हूँ. दैट मीन्स कि शी हैज़ ऑल्सो अ गुड हार्ट. She also gives high priority to classes for young musician. और वो उनकी priority list में सबसे ज़्यादा वो किसको priority देती हैं? Young musicians को. Anne Clinchley of Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. और एन रिचलिन क्या बोलती हैं, जो कि बीथोवन फंड की ओर से, जो कि डेफ चिल्ड्रन के लिए काम करता है ये जो फंड है, वो क्या कहती हैं एन रिचलिन, कि वो एक इंस्पिरेशन है डेफ चिल्ड्रन के लिए. दैट मीन्स कि जो डेफ बच्चे हैं वो उसे देखते हैं कि ये भी डेफ होकर इतना कुछ अचीव कर सकती है, तो हम क्यों नहीं. दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कांट गो. और वो जो डेफ बच्चों के लिए इतनी अच्छी इंस्पिरेशन देती हैं कि उन बच्चों को ऐसा लगता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप नहीं जा सकते हो. एवलिन ग्लिनी हैज ऑलरेडी अकम्पलिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. और एवलिन जो हैं वो इतना मतलब प्राप्त कर चुकी हैं जो कि उसकी जो दुगनी उम्र के जो लोग हैं ना वो भी नहीं अचीव कर पाए हैं. शी हैड ब्रॉट परक्यूशंस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोस्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग. शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट आई कैन एंड नोट द लिस्ट शी हैज़ गिवन अ नंबरलेस प्लेजर टू मिलियंस. अब क्या होता है कि मतलब वो बहुत सारे मतलब चीज़ें जो हैं, म्यूजिक जो है वो प्ले करती हैं इन फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा और इस तरीके से. साथ ही साथ में वो इंस्पिरेशन भी है हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए, हैंडीकैप्ड पीपल्स के लिए, कि उसको देखकर वो लोग ये सोचते हैं कि अगर वो कर सकती है तो वो भी कर सकते हैं. दैट मीन्स कि हम उन्हें सिर्फ इस तरीके से सिखाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनसे ही नहीं सीखते हैं. जब उनके पास रियली एक ऐसा एग्जाम्पल होता है कि वो उन्हीं की तरह हैंडीकैप्ड है, या हम ये कह सकते हैं कि स्पेशली डिसेबल्ड है, और वो सब कर रही है तो हम भी कर सकते हैं. वो भी ये सोचते हैं कि अगर वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं. और नॉट द लिस्ट शी हैज़ गिवन अ नंबरलेस प्लेजर टू मिलियंस. और इस तरीके से वो बहुत बड़े बड़े मतलब बिग प्लेजर्स देती है बहुत सारे लोगों को, कि मतलब उनको देखकर लोगों को सीखने को मिलता है बहुत कुछ. वो अपनी लाइफ को अच्छे से जीना सीखते हैं, पॉजिटिविटी आती है उनकी लाइफ में. ये डेबोरा कॉले ने जो उनसे इंटरव्यू लिया था या उनसे जो मीटिंग हुई थी उनको लेकर यहाँ पे जो उनके बारे में जो है, एवलिन के बारे में वो लिखा हुआ है. एवलिन ग्लिनी के बारे में आपने इसमें देखा कि किस तरीके से वो डेफ होकर भी कितना कुछ करती है और इतनी सक्सेस प्राप्त करती है अपनी लाइफ में. वो सब कैसे? क्योंकि वो हार्ड वर्क करती है और जिस चीज़ में वो करना चाहती थी, वो म्यूज़िक के फील्ड में आगे बढ़ना चाहती थी, तो वो म्यूज़िक को बिना सुने हुए फील करना सीख गई और इससे वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो गई. सो दैट्स वाई कि ये कहा गया था कि वो म्यूज़िक को लिसन करती है विदाउट हियरिंग इट. कि अब आप समझ गए होंगे कि किस लिए, कि वो लिसन करती है थ्रू हर बॉडी, क्योंकि वो उसे उसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं, नोट्स होती हैं, वो उसमें अपनी बॉडी में फील कर पाती हैं. सो होप आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. होप यू लाइक इट. इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन. प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल. पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन. और पार्ट टू के लिए हमारा एक और वीडियो आएगा. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.